नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा पानीपत नगर निगम की शाखा के कर्मचारियों ने निगम कमिश्नर के दफ्तर के सामने अपनी मांगों को लेकर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की है। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार व निगम अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। शहर के आम नागरिकों को कर्मचारियों की हड़ताल का पता न होने के कारण बिना काम करवाए बैरंग वापस लौटना पड़ रहा है। कर्मचारियों के नेताओं ने बताया कि उन्होंने अपनी मांगों के समर्थन में 25 जनवरी को नगर निगम कमिश्नर को मांग पत्र दिया था, लेकिन उन्होंने इनकी मांगों पर गौर नहीं किया और ना ही उन्होंने बातचीत के लिए बुलाया। सभी कर्मचारी एक दिन की सांकेतिक हड़ताल पर बैठे हैं। मुख्य मांगों में समान काम समान वेतन देने, अनुबंध पर लगे कर्मचारियों को ईएसआई कार्ड जारी करवाने, हटाए गए कर्मचारियों को फिर से नौकरी पर रखने व शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करना है। गौरतलब है कि शहर में शहरी और ग्रामीण दो विधायक हैं। जब एक विधायक बनता था 1200 सफाई कर्मचारी थे, अब दायरा बढ़ने के बाद केवल 700 सफाई कर्मचारी हैं। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि सरकार के चहेते अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं, उन पर लगाम लगाई जाए, नगर की जनसंख्या के अनुपात में कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। पानीपत से प्रवीण भारद्वाज की रिपोर्ट। तो कर्मचारी मिले यहाँ? तो कोई भी दफ्तर में कोई भी नहीं है, आदमी भी नहीं है सर। हड़ताल हो रही है, बाहर नारे लग रहे हैं जी। तो आपको ऐसे वापस जाना पड़ेगा? वापस जाना पड़ेगा सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुशील कुमार है जी। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना था। हाँ, तो आज हड़ताल चल रही है, अब ये नहीं पता किस चीज़ की है। कोई कर्मचारी भी नहीं है? ना, फिलहाल कोई भी नहीं है। आपको वापस जाना पड़ेगा खाली? हाँ बिल्कुल, वापस जाएंगे फिर। आप हड़ताल है तो फिर कल आएंगे। बताया कितने दिन के लिए हड़ताल है? ना कुछ नहीं बताया। क्या नाम आपका? साहिब सिंह। 25 जनवरी को कमिश्नर साहब को अपनी मांगों के प्रति नोटिस दिया था और कमिश्नर साहब ने हमारे से आज तक कोई बात नहीं करी इस विषय पर। तो हमने ये चेतावनी के लिए दिया हुआ है कि हम एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे। हमारी मांगे हैं जैसे इक्वल वर्क इक्वल पे। जब पक्का आदमी वही काम करता वही कच्चा करता, कच्चे से ज़्यादा काम लिया जाता है, उसके बराबर तनख्वाह नहीं दी जाती। और हमारा आर्टिकल 39 इस चीज़ को बताता, संविधान का जो अधिकार है उसमें ये बात क्लियर है कि भाई इनको भी बराबर तनख्वाह मिलनी चाहिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो चमचागिरी का सिस्टम चला है, सरकार के दल अधिकारी बैठे हैं और ये जैसे भी वो कहते हैं ऐसे करते हैं, लेकिन जो हमारा संविधान है वो हमें अधिकार देता है, उसके तहत हमने आज ये सांकेतिक हड़ताल करी है। सबसे पहले हमारी मांग है कि भाई शहर के अंदर सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है। वो क्यों है? क्योंकि शहर के अंदर अब 2 MLA बनने लगे। पहले 1 MLA बनता था, 1250 सफाई कर्मचारी था और अब आदमी सिर्फ सफाई वाले रह गए 700। तो अब शहर की व्यवस्था खराब हो चुकी है इस वजह से। ये उनको पूरी नहीं करते, बैक लोग पड़े हुए हैं। अभी क्या भाई, आउटसोर्स के जो कर्मचारी हैं उनका, कुछ कर्मचारियों का ईएसआई कार्ड तक नहीं है। उनका कई बार कोई चोट फेट लग जाती है तो वो अपने पल्ले अपना पैसा खर्च करके या उसके जो स्टाफ के होते हैं वो पैसा देते हैं, उससे इलाज होता है। तो महकमे के अंदर ये चीज़ लागू है जब ये दे नहीं रही। और एक हमारी ऊपर से जनगणना के आधार पर आया हुआ है कि पूरे स्टाफ सहित ऑफिस स्टाफ सहित कर्मचारी होने चाहिए 400 की पॉपुलेशन में एक। जब शहर की जनसंख्या है उसके आंकड़े निकाल कर 400 के ऊपर एक कलर्क नियुक्त होना चाहिए, एक माली, एक बिल्डर, एक चपरासी, एक सफाई कर्मचारी। तो ये भी मांग हमारी ऊपर से लागू हो चुकी है, लेकिन ये लागू नहीं कर रहे। कर्मचारी हटाए गए थे उनको रखा जाए। एक मांग तो ये है, एक समान काम समान वेतन। दूसरी मांग है आउटसोर्सिंग के जो भी कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाए, उनका ईएसआई कार्ड बनाया जाए। मुख्य मांग ये। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.